असलकम क्लास सेवन टुडे वी विल स्टार्ट यूनिट नंबर सेवनटीन पैरीमीटर एंड एरिया ऑफ जीमेट्रिकल फिगर्स पैरीमीटर एंड एरिया बेसिकली ये क्या है पहले ये समझ लें आप लोग पेरीमीटर आपके पास किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप या फिगर की बाउंड्री कहलाती है जो उसका आउटर पाथ है यानी अगर मैं एक शेप ड्रॉ कर रही हूँ इस तरह की एक शेप है तो ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है बेसिकली ये आपके पास पेरीमीटर है जो बाउंड्री ऑफ दैट शेप है इस कार्ड पैरीमीटर और एरिया क्या है अगर मैं शेप को कलर कर रही हूँ रेड कलर से मैंने इसको कलर आउट किया है तो अब ये जो मैंने कलर किया है रेड पोर्शन सारा क्या होगा एरिया होगा जबकि इसमें भी ये जो आपको ब्लैक साइड नजर आ रही है ये अगेन पैरीमीटर है और एरिया ये कलर्ड पोर्शन है तो आपके पास पेरिमीटर बाउंड्री ऑफ अ शेप होता है और एरिया अमाउंट ऑफ स्पेस कवर्ड बाय अ शेप अमाउंट ऑफ स्पेस कवर्ड बाय अ ज्योमेट्रिकल फिगर ये आपके पास एरिया होता है सो पेरिमीटर की डेफिनेशन डिस्टेंस अराउंड अ प्लेन फिगर इज़ कॉल्ड इट्स पेरीमीटर वही डिस्टेंस यानी उसकी बाउंड्री ऑफ अ प्लेन फिगर एक प्लेन में फिगर हो जो शेप हो वो उसकी उसका पैरीमीटर कहलाती हैं जैसे यहाँ पे एक हाउस बना है तो ये जो वॉल है एक हाउस के गैर जो वॉल है प्रोटेक्टिव वॉल होती है जिससे हम अपने घर को दूसरे घरों से या दूसरी जगहों से सेपरेट करते हैं वो वॉल पैरीमीटर कहलाती है ठीक है इसी तरह अब पैरीमीटर अगर आपने फाइंड करना है तो क्वाड्रीलेटर्स पैरीमीटर ऑफ क्वाड्रीलेटर इट मीन जो फोर साइडेड फिगर्स हैं Uh, उनका पैरीमीटर उन सा, उनकी सारी साइड्स को ऐड करने से आता है तो ऑफ आल साइड्स पेरीमीटर ऑफ एनी क्वार रिलेटर इट सम आल अगर आपके पास स्केयर है तो इट मींस एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल तो आपके पास फोर एल हो जाएगा अगर रेक्ट एंगल है तो दो एल हैं और टू बी हैं टू एल प्लस टू बी तो आप इसको टू एल प्लस टू बी हो जाएगा टू कॉमन ले लेंगे तो टू इंटू एल प्लस बी हो जाएगा पैरेललोग्राम है तो सेम जो आपके पास रेक्ट एंगल का होता है इसी तरह इसका भी फार्मूला होता है पैरेललोग्राम की सारी साइड्स को ऐड करने से आपको पैरीमीटर मिलता है पैरीमीटर ऑफ अ ट्राई अगर आपने फाइंड करना होता है तो आप इसकी तीन साइड्स ए बी सी अगर ले लें तीनों साइड को ऐड करने से पैरीमीटर आ जाता है नेक्स्ट एरिया एरिया ऑफ अ प्लेन फिगर इज द नंबर ऑफ स्क्वायर यूनिट्स दैट द फिगर कवर्स अगर नंबर ऑफ़ स्केयर यूनिट्स या अमाउंट ऑफ स्पेस कवर्ड बाय अ फ़िगर ज्योमेट्रिकल फिगर ये एरिया होता है अब एरिया आपने जब फाइंड करना होता है स्केयर का तो स्केयर आपके पास ऐसी शेप है तो स्केयर के आपको पता है कि चारों साइड इक्वल होती हैं उसकी लेंथ और ब्रेथ एल ही होगा यानी सेम होती हैं तो यहाँ पे जब आपने स्केयर का एरिया फाइंड करना हो तो एनी टू साइड्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आप लेंथ और लेंथ को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एल स्क्वायर आपके पास हो जाएगा और अगर मैं लेट्स सपोज यहाँ पे बी और बी लिखती तब बी मल्टीप्लाई बी होता जो बी स्क्वायर कहलाता यानी दोनों सूरतों में ये होगा एरिया ही एरिया फ्रैक्ट एंगल अगर निकालना हो आपने तो वो आपके पास लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है लेंथ जो लॉन्गर साइड होती है ब्रेथ जो शॉर्टर साइड होती है तो इससे आपको एरिया फ्रैक्ट एंगल मिलता है पैरेललोग्राम का एरिया में आपको बेस मल्टीप्लाई आल्टीट्यूड करना होता है आल्टीट्यूड मीन हाइट बेस और हाइट तो बेस मल्टी यानी वहाँ पे रेक्ट एंगल पर लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता था ना अब ब्रेथ या बेस बेसिकली बेस है बी से बेस और एच से हाइट जो आल्टीट्यूड भी कहलाता है तो पैराल्राम का एरिया बेस मल्टीप्लाई आल्टीट्यूड यानी बेस मल्टीप्लाई एच बी मल्टीप्लाई एच होता है नेक्स्ट एरिया ट्राई एंगल यहाँ पे बेस ट्राई एंगल की और सेंटर में एक लाइन लगा के आप इस वर्टेक्स से बेस तक एक लाइन लगा के हाइट फाइंड कर लेते हैं या आपको गिवन होती है तो एरिया ऑफ ट्राई में आपके पास हाफ ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट होता है या बेस मल्टीप्लाई हाइट हाफ यानी वन ओवर टू बेस मल्टीप्लाई हाइट राइट एंगल ट्राई होगी यानी वन ऑफ दी एंगल इज ऑफ नाइन्टी डिग्री तो ये आपके पास हाइट आ जाएगी और ये बेस होगी तब भी आपने फार्मूला सेम यही लगाना है हाफ ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट दैन आपके पास एरिया ऑफ़ ट्राफीजियम है ट्राइपीजियम बेसिकली एक ऐसी क्वाडरी लेटल है ऐसी फोर साइडेड फिगर है विद ऑनली वन पेयर ऑफ पैरल साइड जिसमें एनी टू साइड पैरल होती हैं जैसे ये वाली आपको जो शेप दी हुई है जब मैं एरो लगा रही हूँ डी सी और ए बी ये दोनों साइड आपस में पैरल है ठीक है तो ये ऐसी क्वाडरी लेटल है जिसमें एनी टू साइड्स पैरल होती हैं जबकि अदर टू साइड नॉन पैरल होती हैं जैसे ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में नॉन पैरल है जब इसका एरिया निकालना होता है आपने तब आप फार्मूला जो यूज़ करते हैं हाफ सम ऑफ पैरल साइड यानी ये जो अगर यहाँ पे एट और फाइव दिया है तो इन दोनों को ऐड करना है और मल्टीप्लाई आल्टीट्यूड आल्टीट्यूड आपके पास हाइट था जो आपको फोर सेंटीमीटर दिया हुआ है तो एट प्लस फाइव मल्टीप्लाई फोर हाफ ऑफ एट प्लस फाइव मल्टीप्लाई फोर इसको सॉल्व करके आपको आंसर मिल जाएगा सो आप कॉपी वर्क स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज सेवनटीन ए का क्वेश्चन नंबर फोर है कैलकुलेट पैरामीटर ऑफ द फिगर्स आपको टू फिगर्स गिवन है ये बुक पे भी बनी है आप वहाँ से देख के बना सकते हैं तो इन दोनों आ, शेप्स का हमने पैरीमीटर लेना है सबसे पहले मैं इसको इस शेप को, इस को ए का नेम दे देती हूँ और इसको बी का नेम दे, दे देती हूँ ठीक है अब स्टार्ट पे लिखते हैं पैरीमीटर ऑफ पैरीमीटर ऑफ ए शेप जो ए शेप आपको गिवन है उसका पैरीमीटर क्या है इसमें क्योंकि सारी स्क्वाड्रीलेटर है चार साइड्स हैं इसकी फ़ोर साइडेड फिगर है हमें फ़ोर साइड्स को ऐड करना है इट मीन्स हमने फोर सेंटीमीटर से अच्छा यहाँ पे एक और मिस्टेक ये है इस क्वेश्चन में या कि आपको बाकी सारी जो साइड्स गिवन है वो सेंटीमीटर में है जबकि यहाँ पे आपको मीटर दिया हुआ है इट इट मीन जब प्रोबेबली यहाँ पे बुक में मिस्टेक है तो मीटर को कट करके सेंटीमीटर करें अब यूनिट सब का सेम है अब हम इसको ऐड कर सकते हैं अब फोर सेंटीमीटर सबसे पहले लिखा प्लस नेक्स्ट फाइव पॉइंट टू सेंटीमीटर है प्लस थ्री सेंटीमीटर प्लस थ्री सेंटीमीटर इनको ऐड करना है तो यहाँ पे देखें मैंने इनको ऐड किया है तो आंसर आया फिफ्टीन पॉइंट टू सेंटीमीटर सेंटीमीटर ही इसका यूनिट रखा जाता है अब पैरीमीटर ऑफ शेप बी अब जो शेप बी है वो एनी पॉलीगॉन है इसमें अब फोर साइड्स नहीं है बहुत सारी साइड्स हैं तो हम सारी साइड्स को ऐड करते जाएंगे सबसे बिगर साइड सबसे पहले लिखते हैं जो लेंथी साइड है उसको लिखा ट्वेंटी मीटर अब इसमें सारे यूनिट मीटर वाले हैं चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी ट्वेंटी मीटर उसके बाद ट्वेल्व मीटर लिखा प्लस फाइव मीटर टेन मीटर प्लस सेवन मीटर प्लस सिक्स मीटर प्लस टेन मीटर अब इनको ऐड करते हैं और आंसर लिखते हैं तो ऐड करने से सेवेंटी मीटर आया है तो सेवेंटी मीटर इज़ी पैरामीटर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट हमने करना है फाइंड एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट आपको अब एरिया फाइंड करना है अब एरिया आपको जब फाइंड करना है तो आपको रिकोगनाइज़ करना है कि यहाँ पे आपको कौन सी शेप जोमेट्रिकल शेप नज़र आ रही है आपको एक बड़ी रेक्टेंगल नज़र आ रही है स्केयर uh, है आई थिंक सो स्केयर है क्योंकि साइड इक्वल है तो ऑब्वियसली ये स्केयर है एक आपको बड़ा स्केयर नज़र आ रहा है एक अंदर छोटा स्केयर नज़र आ रहा है और दोनों स्केयर के अंदर वाला पोर्शन रेड कलर होया वह शेडेड पोर्शन है तो आप लोग लिखेंगे कि पहले हम uh, जो बड़ा स्केयर uh, है उसका एरिया फाइंड करते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन तो यहाँ पे लिखा फार्मूला एक बना लिया एरिया एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ बिग स्केयर माइनस एरिया ऑफ स्मॉल स्केयर ठीक है अब एरिया ऑफ बिग स्केयर क्या है फिफ्टीन मल्टीप्लाई फिफ्टीन ठीक है माइनस एरिया ऑफ स्मॉल स्केयर क्या है नाइन मल्टीप्लाई नाइन ठीक है फिफ्टीन मल्टीप्लाई फिफ्टीन आपके पास टू ट्वेंटी फाइव है माइनस नाइन नाइन जर एटी वन सब किया एटी वन को तो वन हंड्रेड एंड फोर्टी फोर और चूंकि मीटर आपको गिवन था तो यूनिट मीटर स्क्वायर लिखा जाएगा जो एरिया होता है उसमें स्क्वायर्ड यूनिट होता है जबकि पैरीमीटर में स्क्वायर्ड यूनिट नहीं होता बल्कि सिंगल यूनिट्स होते हैं तो यहाँ पे हमने मीटर स्क्वायर लिखा अब नेक्स्ट जो आपको डायग्राम दी गई है इस तरह की दी गई है तो अब इसमें डिफरेंट पार पोर्सन थे मैं इसको पोर्शन को ए कह देती हूँ ये खुद कह रहे हैं इसको बी कह देते हैं और इसको सी ठीक है ताकि तीनों पार्ट्स को जब हम लिख रहे हो एरिया कैसे या फिर इनको ऐड करना है अलग अलग सॉल्व करके अब दूसरी बात यह है कि यहाँ पे तो आपको एक स्क्वायर नज़र आ रहा है रेक्टेंगल नज़र आ रहा है फाइव मीटर इसकी लेंथ है ब्रेथ फ़ोर मीटर है यहाँ पे आपको रेक्टेंगल नज़र आ रहा है एट मीटर लेंथ है जबकि ब्रेथ नहीं पता चल रही अब यहाँ पे देखें फ़ाइव मीटर अगर है तो यहाँ पे भी तो फ़ाइव मीटर ही है तो ये आप ख़ुद से लिख लेंगे यहाँ पे फाइव मीटर इसी तरह ये जो आपको यहाँ पे एक ट्राइंगल की शेप नज़र आ रही है यहाँ पे आपको बेस नज़र नहीं आ रही है बेस वाला पोर्शन तो है लेकिन इसके साथ कोई क्या नंबर है वो नज़र नहीं आ रहा तो इसके साथ ये एट मीटर अगर ये वाला इतना पोर्शन एट मीटर है तो ऑब्वियसली ये भी कितना होना है एट मीटर होना है तो ये भी हम खुद लिख लेंगे अब देन ये वाली जो हाइट है यहाँ पे हाइट आपको एक ट्राइंगल नज़र आ रही है तो इसके लिए तो हमें एक हाइट चाहिए होती है तो यहाँ पे डॉटेड बना के ये वाला पोर्शन आप बना देंगे और यहाँ पे देखें इतना पोर्शन फ़ाइव मीटर का है तो ऑब्वियसली ये वाला पोर्शन भी फाइव मीटर का होना है तो ये भी हमने शेप के अंदर लिख लिया अब एरिया ऑफ शेप ए या ए पोर्शन एरिया ऑफ ए क्या है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ यानी फाइव मीटर मल्टीप्लाई फोर मीटर तो आपके पास आ गया ट्वेंटी मीटर स्क्वायर यहाँ पे इक्वल साइन है नेक्स्ट एरिया ऑफ बी में अगेन एक रेक्टेंगल है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ करना है तो यहाँ भी लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ लिखा अब लेंथ एट है और ब्रेथ फाइव है एट मीटर मल्टीप्लाई फाइव मीटर इज इक्वल टू एट फोर एट फाइव फोर्टी और एरिया के यूनिट मीटर अब नेक्स्ट एरिया ऑफ सी लेना है और सी में आपके पास एक ट्राई नज़र आ रही है आपको शेडेड पोर्शन में तो उसका होता है वन ओवर टू बेस मल्टीप्लाई हाइट तो वन ओवर टू बेस है एट ये जो हमने खुद लिखी थी और हाइट हमने डॉटेड करके ख़ुद लिखा था फाइव मीटर तो वन ओवर टू एट फाइव हज़ार फोर्टी मीटर स्क्यर अब फोर्टी को डिवाइड टू किया तो ट्वेंटी मीटर स्क्र अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन शेडेड पोर्शन का एरिया क्या आएगा ए बी सी के तीनों के आंसर्स को ऐड करने से यानी ट्वेंटी मीटर स्क्वायर प्लस फोर्टी मीटर स्क्वायर प्लस ट्वेंटी मीटर स्क्वायर तो ये आपके पास आ जाएगा एटी मीटर स्क्वायर ये फाइनल आंसर आ जाएगा नेक्स्ट आपको जो शेप दी हुई है ये रोम्बस शेप है रोम्बस शेप में बेसिकली आपको जो अंदर एरोज नज़र आ रहे हैं इसके थ्रू हम एरिया फाइंड करते हैं इसका फार्मूला हमारे पास होता है एरिया ऑफ रोम हाफ ऑफ्ट हाफ मल्टीप्लाई डी वन मल्टीप्लाई डी टू अब ये डी वन और डी टू क्या है आपको एरस नजर आ रहे हैं ना इनको कहते हैं डायगनल क्या कहते हैं डायगनल्स यानी किसी भी क्वाडरी लेटल के अंदर ऑपोजिट वर्ट इज तो ज्वाइन करने वाली लाइन होती है वो उसकी डाइगनल कहलाती है अब यहाँ पे टू डाइगनल नज़र आ रहे हैं एक टेन मीटर का डायगनल है दूसरा ट्वेंटी मी, ट्वेल्व मीटर का डायगनल है तो यहाँ पे फार्मूला में पुट किया डायगनल वन हमारा टेन मीटर का था डायगनल टू हमारा ट्वेल्व मीटर का था यहाँ पे ये ऊपर वाले तीनों नंबर मल्टीप्लाई किया तो वन ट्वेंटी आया और डिवाइड टू डिवाइड टू किया ए, मीटर स्क्वायर एरिया चूंकि ले रहे हैं मीटर स्क्वायर होगा डिवाइड टू किया तो सिक्सटी मीटर स्केयर आया ये अभी जो आपको एरिया मिला है ये पूरे रोम्बस जब के जबकि हमने सिर्फ उसका एक हिस्सा फाइंड करना था अब यहाँ पे देखें आपको कितने पोर्शन नजर आ रहे हैं वन टू थ्री फोर ना हमने उसमें से एक का हिस्सा फाइंड करना है हम लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन फोर पोर्शन ना तो हमने उसमें से एक का हिस्सा फाइंड करना है तो इट मीन्स सिक्सटी डिवाइड फोर करेंगे तो फिफ्टीन फोर फिफ्टीन फोर जर सिक्सटी होता है तो फिफ्टीन मीटर स्केर आपके पास इस हिस्से का जस्ट एरिया मिलेगा